तो ये एक रियलमी का फ़ोन है और ये देख सकते हैं कि किस कंडीशन में फ़ोन पड़ा हुआ है। ऐसा तब होता है जब फ्लैशिंग करते समय या फिर अपडेट करते समय रुक जाती है या फिर प्रॉब्लम आती है कुछ इंस्टॉलेशन में, तो इस प्रकार से हो जाती है, क्रैश हो जाती है फ़ोन, या फिर बैटरी कम चार्ज होते हैं और उस समय अपडेट वगैरह लगा देते हैं अपडेट इंस्टॉलेशन। तो ये मतलब रियलमी का X3 है, RMX 2081, तो इनको फ्लैश करना था और इनकी प्रॉब्लम थी कि ये ऐसा कुछ इस प्रकार से दिख रहा था। तो हमने इनको चार्ज वगैरह बताया और मैंने फ्लैश फाइल दी डाउनलोड करने को। जब उन्होंने फ्लैश फाइल डाउनलोड किया तो उनके पास देख सकते हो उन्होंने फ़ोटो भी दिया और उसके बाद टीम व्यूअर भी दिया कि हाँ रिमोट कंट्रोल के लिए टीम व्यूअर है ये। अब देख सकते हो उन्होंने पेमेंट भी पहले किया और उसके बाद मैंने उनकी फ्लैशिंग स्टार्ट करी और ये फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आपके पास भी कुछ इस प्रकार की फ़ोन है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बेसिकली आप भी इस मतलब ये वीडियो देखने आए हो तो आपके पास भी कोई प्रॉब्लम हो फ़ोन में, कोई प्रॉब्लम हो या फिर अनलॉकिंग वगैरह या फ्लैशिंग वगैरह जो भी हो, तो आपके पास तो मेक श्योर लैपटॉप या कंप्यूटर होना ज़रूरी है और एक अच्छे इंटरनेट भी होना ज़रूरी है। तो इंटरनेट के साथ और कंप्यूटर के साथ साथ आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में टीम व्यूअर एप्लीकेशन की ज़रूरत है। अगर वो नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन से उसको डाउनलोड करें, लिंक मिल जाएगा आपको वहाँ पे, या फिर आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अपने फ़ोन के लिए फ्लैश फाइल डाउनलोड करना होगा अपने अपने कंप्यूटर में, और डाउनलोड करके उसके अंदर एक टूल आती है, जो भी टूल आए उसके अंदर उसको फ्लैश करने का, उससे फ्लैश करना पड़ता है। वो उसकी आईडी और पासवर्ड डाल के फ्लैश होती है और वो पेड सर्विस होती है, तो उसके लिए अलग अलग फ़ोनों के लिए अलग अलग पेड करना होता है। तो जैसा कि देख सकते थे इस फ़ोन के लिए इन्होंने किस प्रकार से पेड करा, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड कंप्लीट हो गई है। तो फ्लैशिंग 5 से 7 मिनट की प्रक्रिया होती है। यहाँ पे डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद ग्रीन बत्ती जल जाती है टूल में और यहाँ पे स्टॉप करके हम इसको एग्जिट करते हैं और फिर आते हैं उनके व्हाट्सएप पे। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैशिंग होने के बाद ये डायरेक्ट फ़ोन रिकवरी मोड में गया और यहाँ से इंग्लिश का मतलब सेलेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज जो भी आया नीचे चाइनीज वगैरह उसमें से कुछ सेलेक्ट करने के लिए उनके मतलब व्हाट्सएप पर दिखाया गया। तो चलिए हम उनको बताते हैं कि यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करें और उसके आगे क्या स्टेप फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ओके का ऑप्शन आया, मतलब सिस्टम एरर आफ्टर सेलेक्ट लैंग्वेज प्लीज़ कॉन्टेक्ट ऑनलाइन, ये कुछ इस तरह से रिकवरी मोड से बता रहा है। तो ओके करने के बाद इसे वाइप डाटा एक बार करना होता है फ़ोन में, तो हमने उनको कॉल पर बताया वाइप डाटा करने के लिए। जैसे कि अभी रिकवरी मोड में है, आपको सिंपली इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको वाइप डाटा पे जाना है, फॉर्मेट डाटा पर क्लिक करना है, देन ओके करना है, और यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोन मतलब खुल चुकी है। तो कुछ इस प्रकार से आपकी भी फ़ोन में अगर प्रॉब्लम हो सॉफ्टवेयर का इशू, ठीक है, हार्डवेयर इशू से भी कुछ फ़ोन लोगों पे जाते हैं तो वो कंडीशन में फिक्स नहीं हो पाते, उसके लिए फिर अलग टूल आती है, ऑनलाइन नहीं होता, UEFI वगैरह से करना होता है, तो वो अलग चीज़ होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाँ फ़ोन 100% कम्प्लीट हो चुकी है और ये वही फ़ोन है जो फ़ोन में वो इस प्रकार से एरर था। अब आते हैं थोड़ी अपनी फ़ायदा के ऊपर। तो देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने हमारे वेबसाइट पे कमेंट कर रहे हैं और मतलब पॉजिटिव कमेंट ही कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फ़ोन फिक्स हो गई है, सही हो गई है, तो कमेंट करनी है। अगर आपके पास भी कोई फ़ोन है फिक्स कर देते हैं, फिक्स हो जाती है, तो आपको भी यहीं पर आना है जहाँ से आपको नंबर मिली है और वहीं पर आके आपको कॉन्टेक्ट करना है। और ये नंबर जो सामने दिख रहा है वो मेरी व्हाट्सअप नंबर नहीं है, इस पर कोई कॉन्टेक्ट वगैरह नहीं होगा, इस पे सिर्फ पेमेंट ही नंबर है, ऑफिशियल पेमेंट नंबर है। आपको हमसे कांटेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, नीचे लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ से नंबर मिलेगा, तो वहाँ से नंबर मिलेगा और वहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के आप वहाँ से कॉन्टेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, जहाँ पर नंबर मिला उसी के जस्ट नीचे आपको कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करना है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करके बताएं, अच्छा ना लगा हो तो 2 बार डिसलाइक करें और कमेंट करके बताएं। अगर कोई जानकारी चाहिए या फिर कुछ सुझाव देना है तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिएगा।